मैं हूँ झगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्माल हाउस प्लान। और आज हम एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। और फ्रंट अगर लुक की बात करें, फ्रंट डिज़ाइन की बात करें, तो आपको एक यूनिक लुक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो हमने ये प्लान डिज़ाइन किया है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर हमने इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। ये जो मॉडल है, इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो 16x26 फिट 16x26 स्क्वायर फिट में ये मकान डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर आपको फुल टू फुल व्यवस्था मिलती है, मतलब कि एक बेडरूम मिलेगा आपको, लेटरिन बाथरूम मिलेगा, स्टेयर्स मिलेंगी और साथ ही साथ किचन की व्यवस्था होगी। और पार्किंग के लिए आप अपनी फोर व्हीलर तो नहीं, लेकिन टू व्हीलर को आसानी से यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। लुक की बात करें तो आपको ये लुक देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा हो इस हाउस का, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप कोई भी स्पेसिफिक प्लान चाहते हैं आने वाले समय में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्माल हाउस प्लान। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो आज हम मॉडल डिस्कस करेंगे, उसी को पूरा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, इसका ग्राउंड फ्लोर। फिलहाल मैंने यहाँ पर खासा कुछ ज़्यादा नहीं डिज़ाइन किया, मात्र एक फ्लोर ही डिज़ाइन किया है और सेकेंड फ्लोर पर मैंने बाउंड्री को डिज़ाइन किया है। तो चलो हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस मॉडल को, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट की बात करें चौड़ाई की, तो यहाँ पर मात्र 16 फिट है। लंबाई की बात करें तो 26 फिट है। दोस्तों हमेशा की तरीके से पहले इसको मैं करूँगा आपको ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है दोस्तों, आपको देखिएगा सारी दीवारें हाइड हो गई, सिर्फ आपका फर्नीचर अंदर का और जो डिज़ाइनिंग का पार्ट्स होते हैं वो आपको दिखते रहते हैं, बाद बाकी सभी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी रिमूवल की, रिमूव करने के बाद आपको ये ओरिजिनल पोजिशन मिल जाता है। हाँ, बेहतरीन सा लुक है। तो चलो डिज़ाइन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे इसके हम ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर पर ये देखिएगा, यहाँ सामने से रोड होगा और ये आपका, जैसे आप ऊपर चलेंगे स्टेयर्स के माध्यम से, सबसे पहले देखिए डिज़ाइनिंग का पार्ट है दोस्तों। ये आप जो देख रहे हो, ये भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है लाइनिंग में, और ये भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है। ये आपको यहाँ पर गेट मिल जाता, ओपन घर बनाया है मैंने, आप अगर आप चाहें तो इसे क्लोज्ड भी करवा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाती स्टेयर्स। मैंने दोस्तों अभी हाल ही में अपना मकान बनवाया है, तो मेरा जैसे सुझाव रहता है कि अगर आप एक फैमिली हाउस बनवाना चाहते हैं तो स्टेयर से ज़्यादातर बाहर से रखें, क्योंकि बाहर से आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी। अगर स्टेयर से, जैसे आप मेन गेट से अंदर करते हैं, वहाँ से स्टेयर्स हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में नहीं मिलती। अगर आपने स्टेयर्स को बीच में रख दिया, पीछे रख दिया, तो कोई भी रिलेटिव आता है, आपका फ्रेंड आता है और आपको सपोज़र छत पर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, तो उसको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक विजिट करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपकी छत पर पहुंच पाएगा। तो वो काफ़ी दिक्कत होती है कि घर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी का शेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर स्टेयर्स आप ज़्यादातर बाहर से, तो बहुत ही बेस्ट होता है। अब जैसे आप यहाँ से इंटर करते हो, सबसे पहले आपको स्टेयर्स मिल जाती जो कि आपको ऊपर ले जाती है। इसके बाद अगर हम सामने की बात करें तो ये आपको देखिए बेडरूम मिलता है, ये आपको बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में फ्रंट पे मैंने एक दिया आपको विंडो, साइड में आपका दिया ये डोर, और सबसे सामने मिल जाता है ये आपका किचन। ठीक, उसमें मैंने जो गेट लगाया है वो एक वेंटिलेशन टाइप का लगाया, मतलब कि सामने आपको दिखेगा जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो कभी भी। और ये स्टेयर्स के नीचे और स्टेयर्स के आगे भी आपका लेटरिन और बाथरूम कंबाइंड मैंने किया है, क्योंकि जगह काफ़ी है। और ये आपका कोई बड़ा सा लेटरिन और बाथरूम बन जाता है। मतलब फ्रंट के ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर 1 बेडरूम 1 किचन, लेटरिन और बाथरूम और स्टेयर्स मिल जाती है। आप जैसे इसके ऊपर से जाते हैं, और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका एग्जैक्ट साइज़ चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट स्माल हाउस प्लान पर जरूर विजिट करें दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप आते हैं कि ये देखिएगा, ये वेबसाइट है और यहाँ पर मात्र 99 रुपीज़ में इस मॉडल को आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और आपका थोड़ा सा नेम, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ मांगेगा, और आपको बाय पेमेंट गेटवे पेमेंट करना होगा 99 रुपीज़ का। और ये पूरा मॉडल, इसका 2D images 3D images आपकी प्रोफाइल में सेव हो जाएगा एज अ जिप फाइल। जैसे आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको 2D और 3D images मिल जाती हैं, जिसमें आपका
प्रॉपर तरीके से नेमिनेशन है और प्रॉपर तरीके से इसका साइज है, मतलब साइज मैंने वहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि रूम कितने बाई कितने का है, किचन कितने बाई कितने का है, सब कुछ आपको इस मॉडल पर मिल जाता है। अब लास्ट फ्लोर की बात करें, अगर हम बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, ये देखिएगा तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से लुकिंग जो रेलिंग मैंने डिजाइन की, काफ़ी बेहतरीन सी रेलिंग आपको दिख रही, और आप जैसे ऊपर से आते हैं तो चारों तरफ बाउंड्री और ये बस रेलिंग बना दिया है मैंने। मात्र यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर ही डिजाइन किया है, ज़्यादा नहीं डिजाइन किया है। अगर आप चाहते हैं कि और इसके ऊपर डिजाइन करना तो आप इसी को एडजस्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, साथ अगर आपने अभी तक हमारे स्मॉल हाउस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमें कमेंट करें, हम आपका वो रिकमेंडेड मॉडल जरूर आपको डिजाइन करके देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।